सब कुछ ओके चलने लगा, जैसा सीएम साहब बोले थे सब बढ़िया हो गया। संचालक को गिरफ्तार नहीं कर रहे, इसका मतलब कुछ लेन देन हुआ इन लोगों का, नहीं तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है। महादेव ऐप कुछ दिन पहले बॉलीवुड के कुछ बड़े एक्टर्स के नाम स्कैम में सामने आए थे, ईडी ने इन्हें नोटिस भी दिया था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का नाम इसमें शामिल हुआ है। शुभम सोनी नाम के शख्स ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि वही महादेव बैटिंग ऐप का मालिक है और उसने सीएम बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए थे। छत्तीसगढ़ के चुनावी माहौल में जैसे ही ये खबर सामने आई, राजनीतिक हलकों में बवाल हो गया। शनिवार को दुर्ग की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बताए कि घोटाले में उनका क्या संबंध है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगाए गए ये आरोप महज चुनावी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गोहित कौशिक। इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में जानेंगे आखिर महादेव बैटिंग ऐप क्या है, इसके जरिए हुआ फर्जीवाड़ा क्या है, मामले में जांच कहां तक पहुंची और घोटाले में सीएम भूपेश बघेल का नाम कैसे आया। मॉनसून कहर बरपा रहा है, जानते हैं तमाम सवालों का जवाब। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा सवाल बड़ा, सबसे पहले समझते हैं कि महादेव बैटिंग ऐप क्या है। महादेव बैटिंग ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए बनाया ऐप है। ये यूजर्स के लिए पोकर, कार्ड गेम्स, चांस गेम्स नाम से लाइव गेम खेलने के लिए मंच है। इसके साथ ही ऐप के जरिए क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल जैसे खेलों और चुनावों में अवैध सट्टेबाजी भी की जाती थी। छत्तीसगढ़ के भिलाई से आने वाले सौरभ चंद्रकर और रवि उपल महादेव ऑनलाइन बुक ऐप के मेन प्रमोटर हैं। ये अपनी गतिविधियां दुबई से संचालित करते हैं, कई तरह की वेबसाइट और चैट ऐप पर कई तरह के ग्रुप चलाते हैं। इसके प्रमोटर्स वेबसाइट पर लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर का ऐड चलाते हैं और लोगों को गेम खेलने का प्रलोभन देते हैं। इस नंबरों को केवल व्हाट्सएप पर ही संपर्क किया जा सकता है। एक बार जब यूजर इस नंबर से संपर्क करता है तो उसे दो अलग नंबर दिए जाते हैं। एक कॉन्टैक्ट नंबर पैसे जमा करने और सट्टा खेलने वालों को यूजर्स आईडी में मिलने वाले पॉइंट्स के लिए होता है, वहीं दूसरा नंबर जुटाए गए पॉइंट्स को भुनाने के लिए वेबसाइट से जुड़ने के लिए होता है। चलिए अब जानते हैं कैसे होता है ये घपला। पैसे जुटाने, यूजर आईडी बनाने, ग्राहकों को यूजर आईडी क्रेडेंशियल्स देने और पैसे बांटने जैसे कई काम ब्रांच के मालिकों द्वारा किए जाते हैं। इन ब्रांच मालिकों को पैनल कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि ये गेम यूजर को अंधेरे में रखकर उन्हें खिलाए जाते थे। इसका मतलब ये कि यूजर्स को केवल शुरुआत में ही फायदा होता था, लेकिन बाद में वो पैसे खोते ही थे। अगला सवाल आता है कि छत्तीसगढ़ के सीएम इसमें फंसे कैसे। असीम दास ये वो नाम है जिसकी गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद भूपेश बघेल मुश्किल में पड़ गए। ईडी ने असीम दास नाम के शख्स को पकड़ा। पूछताछ और जांच के बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए। ईडी ने अपनी आधिकारिक प्रेस रिलीज में दावा किया कि अब तक महादेव ऐप प्रमोटर्स द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लगभग 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। असीम दास ने स्वीकार किया कि जब्त की गई राशि महादेव ऐप प्रमोटर द्वारा छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव खर्चों के लिए एक नेता बघेल को देने की व्यवस्था की गई थी। ईडी ने महादेव ऐप के कुछ बेनामी बैंक खातों का भी पता लगा है, जिनमें 15 करोड़ से ज्यादा की राशि शेष फ्रीज कर दी गई है। ईडी ने महादेव ऐप के कुछ बेनामी बैंक खातों का भी पता लगा है, जिनमें 15 करोड़ से ज्यादा की धनराशि फ्रीज कर दी गई है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया टीवी।